लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से जो कारोबारी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनको ज्यादा फायदा होगा? और क्या जो ताजर कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, वो इस कमी पर मुतमईन नजर आ सकते हैं? नीलम, आप खुद जरा ट्रेडर को किसी को शामिल कर लेते तो आपको पता चलता कि वो कितनी तनकीद करते हैं इस पर। दुनिया में जीरो रेट हो गया है, जीरो, और जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे माइनस हो गया है। अरे बाबा, देने जोगे तो रहे नहीं है, नकद नहीं है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में, एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल दुनिया में बंद है, एक किस्म का लॉकडाउन दुनिया में हुआ हुआ है सारी हर तरफ से। तो मुझे बताइए, जब एक्सपोर्ट भी आपकी नहीं है, आपके जो ऑर्डर्स थे वो भी खत्म हो गए, आपकी इंडस्ट्रीज बंद है, आप कर्जे से दे नहीं सकते हैं, फिर भी आपने ये डबल डिजिट में जाएगा, जिस तरह कहा गया 9% कॉर्पोरेट अगर टैक्स वो लगाएंगे तो ये डबल डिजिट में चला जाएगा। ये तो मजाक करने वाली बात है, लॉलीपॉप है ये जो दिया है बैंक ने, स्टेट बैंक ने। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो है, आप देखेंगे कि लेने वाली तो फेडरल गवर्नमेंट खुद है, जो बैंकों से वो प्राइवेट सेक्टर को तो देते ही नहीं है, फिर फेडरल गवर्नमेंट को है, जिसका मतलब है फिर ये आवाम से निचोड़ा जाएगा पैसा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से देती है? फेडरल गवर्नमेंट जाहिर है वही जो आवाम से वसूल करती है वही देगी, और उस पर जो है न सिर्फ वो देगी बल्कि टैक्स भी एडिशनली देगी। तो फिर एक ये मफाद, ये जो है प्रेशर आवाम पर ही डाला गया है, बोझ आवाम पर डाला गया है, और आवाम ही को फिर अजियत दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा रहा ऐसे ना क्या कीजिएगा जो आप। हकूमती कर्जे हैं, क्या हुजम वाइज अगर देखा जाए तो इस इंटरेस्ट रेट में जो ये कमी नजर आ रही है, इसमें मेन बेनिफिशरी तो फिर जो लोन्स हैं हकूमत पर, उस पे ज्यादा फर्क नजर आएगा? एक आम कारोबारी तबका, ये आम इन्वेस्टर या आम मैन्युफैक्चरिंग में शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ये किसी को भी फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये लॉलीपॉप देना बंद कर दें, रियलिस्टिक हो जाएं, प्रैग्मेटिक हो जाएं।